सेंट एंड्रयूज कॉलेज में शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग के आयोजन के दूसरे दिन पहला मैच कला संकाय और विज्ञान संकाय पुरुष वर्ग के बीच खेला गया। पहले मैच पुरुष वर्ग में कला संकाय ने लगातार दो सेटों में 25-16 और 25-19 के अंतर से विज्ञान संकाय को पराजित किया। दूसरा मैच विधि संकाय और वाणिज्य शिक्षा संकाय महिला वर्ग के बीच खेला गया, जिसमें वाणिज्य शिक्षा संकाय ने 25-10 और 25-7 के अंतर से विधि संकाय को पराजित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग के डॉक्टर जेवियर मारिया राज ने कहा, मेरे चैनल लेकिन नेचर के लोग डॉक्टर जेवियर मारिया राज। प्रिंसिपल्स कप इंटर फैकल्टी वॉलीबॉल टूर्नामेंट है ये, जिसमें चार फैकल्टी की टीम खेल रही है। आज दूसरा दिन है जिसमें लॉ फैकल्टी और कॉमर्स बीएड फैकल्टी के बीच मैच खेला गया, जिसमें लॉ फैकल्टी विनर रही है। और ये बॉयज़ का मैच था। गर्ल्स के मैच में लॉ फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी बीएड की टीम खेली गई थी, जिसमें कॉमर्स और बीएड फैकल्टी विनर रही है। मैच का उद्घाटन 22 तारीख को हुआ था और इसका फाइनल मैच 1 तारीख को है। और हमारा उद्देश्य है कि बच्चे अपने स्किल को निखार सकें, ताकि वो भविष्य में जाकर इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल में पार्टिसिपेट करें।